पा रहे हैं ओआर वर्सेस ईटीजी के बीच फाइट देखने को हो सकती है। मावी और आइकॉनिक एक पास, दलजीत और आइकॉनिक पास में, ओआर संधु यहां पर रश कर रहे हैं, यहां पे फ्रॉस्ट को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ आइकॉनिक क्यूबीजी के साथ रश करते हुए, लेकिन आइकॉनिक के ऊपर हो चुका है फायर और आइकॉनिक यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं। यहां पे आइकॉनिक की फिनिश होने के चांसेस हो चुके हैं। नोवा किंग वेक्टर के साथ यहां पर नॉकआउट किया आउट किया नोवा किंग यहाँ पर शानदार तरीके से खेलते हुए 50 के आसपास एचपी बची हुई है। वेक्टर को रिलोड करना चाहेंगे और वेक्टर को रिलोड करते ही अब आइकॉनिक को रिवाइव करेंगे, तो यहाँ पे ईटीजी के लिए अब थोड़ा सिचुएशन सही हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे डार्क टीपीपी लेते हुए, डार्क के सामने एक प्लेयर है, डार्क M760 वन ऑफ द बेस्ट क्लोज रेंज गन, लेकिन वो ऊपर जा चुके हैं प्लेयर, तो ईटीजी के जो दो प्लेयर्स नॉकआउट थे अब शायद रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन दलजीत को अगर आप देखो तो बहुत ही गलत जगह नॉकआउट हुए पड़े। आई थिंक इट्स अ 1v4 सिचुएशन फॉर एंटो कमिंग अप, क्योंकि यहाँ दो बंदे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं ओवर की तरफ से। देखते हैं वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि मावी को तुरंत नॉक और फिनिश भी कर दिया गया था एंड ऑन दी अदर साइड रिवाइव देने के लिए, तो ऑस्टिन आराम से उनको फाइंड कर सकते हैं और नॉक कर सकते हैं। वेनम को ऑन दी अदर हैं थोड़ा डैमेज लिए हैं, पता नहीं किधर से आया ऑस्टिन ने यहाँ पर ओवेस को डाउन मतलब फिनिश कर दिया कि भाई मेरे को कोई चांस नहीं देना, कोई रिवाइव नहीं मिलेगा, आप गेम के बाहर जाओ, आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ईटीजी ब्रॉल ऑन दी अदर साइड थोड़ा सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमें कैसे पुश करना है, हाउ टू एक्चुअली लाइक गो अहेड एंड वर्किंग। सभी की सभी प्लेयर्स धीरे धीरे करके क्लोज इन कर रहे हैं, तो रौनक ने अभी एक एंगल होल्ड करके रखा है, अगर इनके सामने से कोई प्लेयर आता है तो रौनक उसको डेफिनेटली नॉकआउट करेंगे। तो यहां पे ये देखना पड़ेगा किस तरीके का कवर फायर आता है, तो मुझे लगता है रौनक के ऊपर यहां पे नेड करने की कोशिश की गई थी इसलिए रौनक वहां से गए। या एग्जैक्टली यहां पर रौनक को नेड करने का ट्राई करा गया था, और यहां पर देखो यहां पर आइकॉनिक अंदर तो आए थे बट तुरंत नॉक कर दिया गया है रौनक की से, बट कवर फायर आता हुआ उनके टीममेट का। डार्क आए तो थे बट पारितोष ने उनको बहुत ज्यादा अच्छा कवर फायर में लिया था, एंड यहाँ पर डार्क ने फिनिश किया है टीम फ्नाटिक को, इजी पीजी फॉर देम, क्योंकि एक ही बंदा यहाँ पर नॉक होता है उनका जो कि था आइकॉनिक गिल, यहाँ पर स्काई को नॉक फिनिश करते हुए ऑन दी फाइट चल रही है टीम आईएनडी। यहाँ पे ओआरबी के बीच फाइट देखने को मिल सकती है, अभी ने शायद स्पॉट कर लिया टीम आईएनडी के प्लेयर्स को ओपन में, तो अभी यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश लेकिन खुद ही नॉकआउट हो गए। फाइनल बॉस का कवर फायर आया, यहाँ पे टीम आईएनडी क्रेटोस भी नॉकआउट हो चुके हैं। देखते देखते और के आईएस के पास अभी कवर है, जोन में जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है टीम एंडी की जो पूरी टीम थी वो एलिमिनेट हो चुकी है। या यहाँ आई थिंक ट्रांस इज द ओनली मैन स्टैंडिंग एंड ही इज आउटसाइड द जोन, उनको पता है शायद से टीममेट्स ने कॉल आउट दे दिए होंगे, आयश अभी अभी को रिवाइव दे रहे हैं। ट्रांस यहाँ पर पीछे से आ रहे हैं, देखते हैं वो स्नीक इन करके एक दो नॉक फाइंड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि फाइनल बॉस इज मूविंग इनसाइड द जोन एंड इट्स 260 मीटर्स अवे, तो उनको अभी तुरंत जाना पड़ेगा और प्रॉबेबली वो हील अप भी हो जाएंगे। मैक्सकाश ने यहाँ पर फिनिश किया एंड दैट्स अ स्क्वाड वाइप कमिंग फ्रॉम ओआरबी टीम आईएनडी, यहाँ पर वाइप होते हुए मैक्सकाश के पास 3 किल्स है। इजी बीजी की टीम जोन के अंदर जाने की कोशिश करिए, इनसे टीम जोन के अंदर जाने की कोशिश करिए, इनसेन रास्ते में वहीं पे आईएनएस भी जाने की कोशिश कर रही है, जोकर यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज्ड है, जोन का डैमेज भी पड़ रहा है उनको। बगल में सिनर्जी की टीम, हाइड्रा और गॉडल जो पोजीशन पे है, अभी मुझे लगता है गॉडल के पास अभी किल्स लेने के चांसेस है क्योंकि इनके चारों बगल प्लेयर्स है। एंड आई थिंक लुक एट देम लाइक टीम इनसेन और जो हमारे जोकर थे काफी ज्यादा नॉक्स फाइंड किए, क्योंकि टेम्पेस्ट नरूटो और स्काई मतलब तीनों खत्म हो चुके हैं। लेजेंड भी आई थिंक डैमेज ले रहे हैं जोन से, क्या वो हील सही टाइम पे पॉप अप होगा, नहीं दैट गोज डाउन, लाइक उन्होंने भी अपना स्क्वाड वाइप खत्म मतलब हो चुका है उनका, जोन से काफी सारा डैमेज लिया था उन्होंने एंड टीम इनसेन बाहर होते हुए गेम के। और अभी हम लोग अगर गॉडल का बात करें, साउदर्न साइड शिफ्ट हुआ था और टीम 4 पे अभी भी जोन है, टीम 7 पे थोड़ा एज है जोन के, और जोकर भी यहाँ पर फिनिश होते हुए और ड्रॉप आया एंड इट्स नॉट अ बीआरडीएम, क्रॉन्टन यहाँ पर ड्रॉप लूटेंगे, देखते हैं इनको ड्रॉप में क्या लूट मिलता है, क्योंकि ओआरबी भी उनके वेस्ट साइड पर है और एग्जिस्टेंस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम आईएनएस, लेट्स सी व्हाट ही इज एबल टू डू फॉर हिज टीम। डेफिनेटली यहाँ पे जो ड्रॉप मंगाया है उसका एक फायदा भी है, आपके पास एक एक्स्ट्रा कवर आ चुका है। रही बात बीआरडीएम की, शायद हम लोगों ने प्रेडिक्शन में गलती कर दी, जोन के अंदर चलाई था उन्होंने फ्लेयर गन, तो वहीं पे एमवाईएम की टीम जो है गॉडल के काफी पास आ चुकी है, लेकिन गॉडल के पास अभी हाई ग्राउंड है, थोड़ा सा फायदा है यहाँ पे कैरी सांप बनते हुए, इनको पता है कि सामने अब एमवाईएम की टीम मतलब कोई भी एक टीम है, तो इनको बस करना क्या है, बस जो टीम आ रही है उनको अपने जो भी है गन से उनको मारना है। उसके साथ साथ सिनर्जी की टीम यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पे गॉडल के क्रॉन्टन ने फिनिश कर दिया उनको, और गॉडल पास अभी तो एक अच्छा कवर है, एज ऑफ द जोन खेल रहे हैं, जोन के अंदर भी हैं, और लास्ट जोन में जब आपको इस टाइप का जोन मिल जाता है तो आपको बस किल्स स्टील करने होते हैं या फिर किल्स चुराने होते हैं। एंड लुक एट गॉडल, दे हैव फाउंड सो मेनी किल्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, यहां पे क्रॉन्टन ने भी बहुत ज्यादा अच्छा कवर फायर दिया था अपने टीममेट को। यहां पर देखते देखते कैरी यहां पर नॉक होते हुए जॉन जो अपने एमवाईएम के हैं, वो देखते हैं वो कैसे मूवमेंट देंगे, क्योंकि थोड़े जोन के एज पर हैं अभी, उनको जोन में मूवमेंट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्कल प्रोबेबली उनके लिए फेवर में नहीं रहेगा। फोर नंबर जो हमारी गॉडल टीम है वो एकदम सेंटर में, तो उनको कोई
दिक्कत नहीं होने वाला है, बट शायद से उन्होंने फिनिश भी कर दिया था एक प्लेयर. आयश आई थिंक वो हील बैटल करने का ट्राई कर रहे थे एंड वो भी अभी जोन के अंदर मूव करेंगे. और देखते ही देखते कीकी ने भी वहाँ पर ख़त्म कर दिया है दूसरी टीम को. अभी इट्स 3v2 सिचुएशन. लेट्स सी यहाँ पर डाउन रिच को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि 17 मीटर्स अवे हैं, 30 सेकेंड्स बचा है जोन क्लोज इन होने में. क्लोक और जॉन देखते हैं वो कहाँ तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं. अगर देखा जाए सिचुएशन अभी जो है क्लॉक के पास ज़्यादा है, मतलब MYM की टीम के पास जोन है, गोडल के पास मैन पावर है. तो यहाँ पे जोन मैटर करता है या मैन पावर मैटर करता है वो डिपेंड करता है. और यहाँ पे क्रॉन्टन ने शायद एक मोलोटा फेंका था, लेकिन ये काफ़ी दूर फेंका जोन से. तो क्रॉन्टन को अब पता है कि इनको जोन के नीचे जो प्लेयर्स है, मतलब ये जो हाई ग्राउंड है इनका, इनको फ़ायदा भी है, लेकिन काफ़ी हद तक जैसे जैसे जोन आगे जाएगा अगर ये लेट रोटेट करते हैं, आई मीन अगर लेट पुश करते हैं तो उनका नुकसान भी हो सकता है. तो यहाँ पे गिल जो है धीरे धीरे करके क्लोजिंग करते हुए, मुझे लगता है गिल के पास जो है सिचुएशन वो ठीक ठाक जा रही है. एंड आई थिंक यहाँ पर गॉडल बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन पे थी ऊपर में, बट क्रॉन्टन ने थोड़ा ओवर एक्सटेंड करा ये पुश. अब वो बता रहे हैं, कॉल आउट्स दे रहे हैं कि यार यहाँ पर एनिमीज ऐड करा उन्होंने. अब देखते हैं कीकी और बाकी जो इनका टीम है. गिल ओके, सो ये हट पे कूदे थे तो बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन पे आए थे. जॉन को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर हट पे भी बंदा आ सकता है. क्लोक इनके नीचे है, यहाँ पर शॉट्स ले रहे हैं. क्लोक क्या यहाँ पर नॉक कर पाएंगे? यस ही डिड. गॉडल गिल भी यहाँ पर नॉक होते हुए. आई थिंक इट्स गॉडल कीकी वर्सेस क्लोक. क्लोक यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज है. कीकी को अभी यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा ये दूसरा नॉक. एंड ही हैज टू टेक ओवर द गेम. एंड यस डेड क्लोक ने करा था प्रोन होकर के प्रोन शॉट.